की बात खिलाड़ी के साथ आज फिर हाजिर हूं मैं लेके। मेरा नाम है सुप्रिया सक्सेना और मेरे साथ है नवदुदान द चैंपियन इन टीटी, जो हजारों की जिंदगियां सुधार रहे हैं, सवार रहे हैं, टीटी में ट्रेन कर रहे हैं। राइट नाउ ही इज इन रोल ऑफ अ चेयरमैन पर्सन विद एमपी टेबल टेनिस एसोसिएशन। वेलकम सर। नमस्ते, गुड इवनिंग मैम। जयेश जी हमारे साथ है। जयेश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये जो आपको रोल दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक खिलाड़ी की जीवन को ग्रूम करना, तो अपने आप में ये रोल कैसा लगता है आप? मैडम, सबसे पहले तो आई थैंक गॉड टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय गेम व्हिच आई लव द मोस्ट, दैट इज टेबल टेनिस। बिकॉज मैंने मेरा कैरियर एट द एज ऑफ 10-11 आई स्टार्टेड प्लेइंग टेबल टेनिस। फिर सारे लेवल्स पे खेलने के बाद, जब मुझे एज बढ़ने के बाद में और खेलना एक्टिव प्रोफेशनल कैरियर छोड़ने के बाद में जब मौका मिला एज एडमिनिस्ट्रेटर टेबल टेनिस को सर्व करने का, तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा लगा। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जिसके ऊपर हम इतना काम कर सकते हैं और हम हमारे पास प्रास पूरा एक्सपीरियंस भी था कि हमने किस तरह से बेटरमेंट इसको प्लान करना है। तो मैंने मेरे पूरे टेन्योर में हमेशा ये कोशिश करी है कि प्लेयर्स के लिए बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके कि वो अपना परफॉर्मेंस एनहांस करके अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश करें और अपनी कंट्री के लिए मेडल विनिंग परफॉर्मेंस लाएं। तो एज टीटी प्लेयर आपके करियर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, शुरुआत से कि इंटरेस्ट जागा, तो उसके बाद आपने इसको डेवलप करने के लिए क्या किया? जैसा मैंने बताया, मैंने 10 या 11 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था। मैं बड़े ब्रदर से इंस्पायर था और मेरे फादर मुझे सपोर्ट किया करते थे खेलने के लिए। तो आपके तो बड़े ब्रदर एक वो भी टीटी खिलाड़ी थे? हाँ, वो टेबल टेनिस प्लेयर थे पर वो काफी स्टूडियस थे, तो वो पढ़ने के साथ में थोड़ा सा टेबल टेनिस के ऊपर फोकस करते थे कि रिक्रिएशन एक्टिविटी करके। पर मैं उनके साथ में जाते जाते मुझे खुद को टेबल टेनिस अच्छा लगने लग गया और मैंने एज अ प्रोफेशनल उसको कैरियर अडॉप्ट किया। जब खेलने लगे तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम खेलने लगे तो और इंटरेस्ट आया, रिकॉग्निशन मिलने लगा तो अच्छा लगा। साथ में बैंक में जॉब भी उसी खेल के कारण मिल गया इमिजिएटली और बहुत ही अर्ली एज में बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो जो एक प्लेयर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है कि उसको नेम, फेम और स्टेबिलिटी ये मिले, तो ये 10-11 साल की उम्र में चालू करने के बाद 20 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ही ये चीजें हासिल हो गई थी। तो जो एक सबसे बड़ा लाइफ का सपना रहता है वो हमारा उस समय पूरा हो गया था। और उसके बाद में फिर और अगले 10 साल खेलते रहे, सब लेवल पे खेले, जहां जहां मौका मिला, जिस भी लेवल पे परफॉर्मेंस हमारा करते गए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने स्टेट के लिए मौका मिला। फिर उसके बाद में आई वॉज वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन हु गॉट मैरिड इन टेबल टेनिस। माई वाइफ इज ऑल्सो टेबल टेनिस प्लेयर। वो इंडिया की सबसे यंगेस्ट नेशनल चैंपियन रही है, रिंकू गुप्ता थी पहले, अब रिंकू आचार्य, उनके साथ में शादी हुई। तो हम दोनों अपना कैरियर टेबल टेनिस का और अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। और जब बेटा हुआ, बेटा भी बड़ा होकर टेबल टेनिस खेलने लगा, तो श्रेयस भी, सारी फैमिली टेबल टेनिस से जुड़ी रही। तो अपने प्रोफेशन, बैंकिंग प्रोफेशन और टेबल टेनिस के अलावा लाइफ में कोई और दूसरे गोल्स थे नहीं और सोचे भी नहीं कि इसके अलावा कुछ काम करना है। तो जब कैरियर खत्म हो गया, बैंकिंग कैरियर रिटायरमेंट लेने के बाद में और बच्चे सेटल होने के बाद में, और फुल टाइम टेबल टेनिस के लिए हम डिवोट करते हैं दोनों। और एज ए सेक्रेटरी मेरी वाइफ अभी टेबल टेनिस के लिए वो काम कर रही है मध्य प्रदेश में, और मैंने फिर बाद में पैरा टेबल टेनिस डिवीजन को सपोर्ट करने का भी डिसाइड किया टेबल टेनिस फेडरेशन के डायरेक्शंस में। और लगातार 7-8 वर्षों से इंदौर में हम पैरा टेबल टेनिस की एक्टिविटीज चला रहे हैं, जो पहले से परिणाम आए हैं ऐसा लगता है। और खिलाड़ियों की मेहनत निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी कि उनको हम वो सपोर्ट कर सके जो उनको चाहिए था। जयेश जी, ये जो आपने बताया, मुझे बताइए कि जब आपके घर में सारे ही धुरंधर टीटी प्लेयर्स हैं, तो कोई ऐसा माहौल होता है कि आपस में चलो आज हम टीम अप करते हैं, आज आपस में एक दूसरे से खेलते हैं, देखते हैं कौन, हु इज द विनर? तो वो थोड़ा बताइए कैसा रहता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, और कौन रेफरी बनता है, बीच में मीडिएट कौन करता है स्कोरिंग के लिए? तो ऑब्वियसली मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि वाइफ और बच्चे जब दोनों खेलते हैं तो उनके बीच में बैलेंस मुझे ही बनाना पड़ता है।
पर बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव स्पिरिट रहता है। हम जब आपस में भी तीनों किसी एक जगह जाके खेलते हैं, क्योंकि हमारा इंदौर में एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे कई बार मौका मिला कि हम तीनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं या खेलते थे। पर क्योंकि प्रोफेशनली सबके कैरियर खत्म हो चुके थे खेलने के, तो हम बस उसको फ्रेंडली और जितना एंजॉय कर सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। और क्योंकि वाइफ अभी भी बच्चों की ट्रेनिंग और उससे जुड़ी रहती है, रिंकू अभी भी बच्चों के लिए मध्य प्रदेश के और इंडियन टीम के लिए जो टाइम स्पेयर करती है, तो मेरा मोस्टली टाइम उसी में जाता है कि उनको अधिक से अधिक सपोर्ट करूँ कि उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों को दे के और बच्चे आगे बढ़ सके। क्योंकि उसके अलावा अब हमारी लाइफ में कोई एम बचा नहीं है कि हम कोई और ऐसी कोई एक्टिविटी करना चाहें कि हम टेबल टेनिस के अलावा अपनी लाइफ को कहीं और शायद सोच भी नहीं पाते अभी। एग्जैक्टली, नो बेटर प्लान, यू नो, जो ये रिटायरमेंट प्लान आपने ढूंढ निकाला है, इससे बेटर प्लान हो भी नहीं सकता है टीटी प्लेयर के लिए। नाउ ऑन दिस नोट, आई वुड लाइक टू नो कि क्या फर्क, एक बेसिक फर्क आप क्या देखते हैं पुराने प्लेयर्स में और आजकल के प्लेयर्स में, बिकॉज आप ग्रूम करते हैं आज की जनरेशन को, तो एनी टाइम आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता होगा। थोड़ा सा जो फर्क सबसे मेन दिखता है इंडिविजुअल लेवल पे वो कमिटमेंट का दिखता है कि पुराने लोगों का कमिटमेंट लेवल बहुत डिफरेंट हुआ करता था, बहुत फोकस्ड हुआ करते थे। ऑब्वियसली तब उतने डाइवर्शन भी शायद नहीं थे, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो ज्यादा फोकस्ड थे। अभी के प्लेयर्स में फोकस थोड़ा सा कम रहता है, उनका डाइवर्शन इतने सारे उनके पास आजकल, अब मतलब एक्सेसिबिलिटी है, वो इतनी फील्ड्स अवेलेबल है, तो दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस कि दे आर लेस फोकस्ड। पर जो हमारे टेबल टेनिस के जो टॉप प्लेयर्स है, सडनली दे आर वेरी वेरी फोकस्ड फॉर देयर गेम एंड फॉर टेबल टेनिस। तो ये फर्क तो पड़ेगा ही हमेशा कि जो जितना ज्यादा फोकस्ड रहेगा गेम पे वो उतना एक्सेल करेगा। पर जो जनरेशन की जो बात करें तो वो जनरेशन में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो थोड़ा सा कमिटमेंट का फर्क है। और टैलेंट तो निश्चित तौर पे हमारे सारे प्लेयर्स में अभी भी बहुत ज्यादा है, पर पहले के प्लेयर्स भी बहुत टैलेंटेड थे। पर जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा है वो एक्सपोजर का। अभी के बच्चों को इतना एक्सपोजर अवेलेबल है, इतना एक्सपोजर अवेलेबल है कि शायद पुराने प्लेयर्स वो सोच भी नहीं सकते कि अगर हम हमारे पुराने टॉप प्लेयर्स कमलेश मेहता, मंजीत दुआ सर, इनसे अगर हम, मेरी जब भी चर्चा होती है तो वो साल में 2 या 3 या 4 मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिला करते थे। पर अब के बच्चों को तो 40 40 एक्सपोजर एक साल के अंदर अवेलेबल रहते हैं, एन नंबर ऑफ टूर्नामेंट दे कैन पार्टिसिपेट। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये फर्क सोसाइटी की तरफ से भी आया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है, और जो हमारी नेशनल फेडरेशंस काम कर रही थी उनकी तरफ से भी आया है कि सारे लोग मिलके प्लेयर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जिससे उनको परफॉर्म करने के लिए बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सके। एंड नो डाउट मॉनिटरी भी काफी फर्क अब देखने को मिलता है। पहले कहाँ, मतलब खिलाड़ी के पास इतना इतनी भी सुविधा अवेलेबल नहीं होती थी कि वो अपने लिए एक पर्सनल कोच अरेंज कर सके, या अपने अपने मन मुताबिक उसको ट्रेनिंग मिले, ऐसी कोई जगह चुन के जा सके। बाहर देश में लोग जा रहे हैं, पेरिस क्वालिफिकेशन के लिए राउंड्स बाहर हो रहे हैं, वहां पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो अपने मन से डिसाइड कर रहे हैं, अपने मन से कोच नॉमिनेट कर रहे हैं कि मुझे इनसे, इनके अंडर में सीखना है पेरिस में जाने से पहले। सो ये बहुत बड़ा फर्क आया है, बहुत बड़ा बूम आया है। एक तरफ तरक्की है तो दूसरी तरफ शायद टेक्नोलॉजी, एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आ गया है कि आधे से ज्यादा जनरेशन हमारी फोन पे बिजी रहती है। इसमें जो सरकार की जो नीतियां हैं शायद इसका भी बहुत बड़ा योगदान है कि इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज जो प्लेयर्स के लिए अवेलेबल हुई है। तो गवर्नमेंट की जो एक लिबरल पॉलिसी है कि खिलाड़ियों को अधिक से अधिक, क्योंकि उनको वीजा मिलना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, बाहर जाने के लिए स्पॉन्सर्स मिलना जरूरी रहती है, साई भी उनको नो लिमिट स्पॉन्सर करती है। अभी के खिलाड़ियों को अगर आप मेडल प्रॉस्पेक्ट के अंदर हैं तो शायद इतना इतना फंड्स आपको दिया जाता है कि कोई प्लेयर इमेजिन नहीं कर सकता कि उसको, या फंड की कमी के कारण कोई ये कारण नहीं दे सकता कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। और जहां तक आप, जैसा आपने कहा कि उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर, कोचेस चूज करने के लिए, स्पेयरिंग पार्टनर, प्रैक्टिस पार्टनर, ये सारे सारे उनको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो निश्चित तौर पर। और दूसरा एक और कारण जो है जो मुझे लगता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। पहले के पेरेंट्स जो थे वो क्योंकि नेचुरली न्यूक्लियर फैमिलीज अब होती है, तो पहले बहुत सारे एक घर में 4 5 बच्चे होते थे तो पेरेंट्स का फोकस सब बच्चों के ऊपर उतना नहीं रहता था। पर हर परिवार में एक या दो बच्चा अगर रहते हैं
तो पूरे मदर फादर का पूरा फोकस बच्चे के ऊपर रहता है, वो पूरा अपना टाइम उसके कैरियर के लिए डिवोट करना चाहते हैं, उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट के बावजूद वो उनके साथ ट्रैवल करते हैं, जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट में चेंज है। पहले की एक सोच आपने नहीं कहावत के फॉर्म में सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो ये एक्चुअली ना बिल्कुल डिनाई कर दी गई है। एक्चुअली मैं ये जो एक प्रोत्साहन नए तरीके का हमारे सिस्टम में देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी स्पोर्ट्स को इंकल्केट करा जा रहा है, और यहाँ तक बात हो रही है कि एक ऑल टुगेदर सब्जेक्ट बनाया जाए स्पोर्ट्स पर, यानी इट हैज टू बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द किड्स टू लर्न इन कमिंग फ्यूचर। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा स्टेप होगा। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी भी है। जब तक तो स्पोर्ट्स और एजुकेशन को हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जैसे पढ़ने के लिए वैसे स्पोर्ट्स के लिए भी बनाना बहुत जरूरी है। जी कि अगर स्पोर्ट्स के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनेगी तो सारे बच्चे खेलने के लिए इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि पेरेंट्स को वो जगह नहीं चाहिए जहां से उनको चूज करना पड़े कि प्लेयर के लिए मैं अब एजुकेशन आगे बढ़ाते हुए इसको खेलना रोकना पड़े। तो ऐसी स्थिति खेलने पेरेंट्स को नहीं आए, उनको ये दिखना चाहिए कि स्पोर्ट्स में भी उतना ही अच्छा कैरियर आगे अवेलेबल है जो एजुकेशन के सहारे मिला जा सकता है। तो ऐसे भी रास्ते आगे आने वाले समय में और बढ़ाने पड़ेंगे कि जिससे कि खेलों के प्रति रुझान बना रहे और बढ़ता रहे, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक सर्टन पीरियड के बाद वो रुझान अगर खत्म हो जाएगा, वहां से कैरियर के एस्पेक्ट्स कम दिखने लगेंगे, तो फिर लोग पीछे हटते जाएंगे, पेरेंट्स पीछे हटेंगे, बच्चे पीछे हटेंगे। लेकिन इसमें हमारे सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ही इस चीज को समाहित करना पड़ेगा कि हम बच्चों को आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकें। बिल्कुल, अभी रिसेंटली मेरी बातचीत हुई थी संदीप डांगी जी से, जो कि आप जानते ही हैं कि पैरा टीटी प्लेयर हैं, और 76 साल की टीटी के इतिहास में वो ऐसे पैरा टीटी प्लेयर निकल कर आए हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया एशियन गेम्स में। तो उनके पिताजी से काफी इमोशनल बातचीत भी हुई मेरी इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने बताया कि वो पेरिस क्वालिफिकेशन राउंड के लिए जाना चाहते हैं और उनको सपोर्ट की भी काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज उन्होंने मुझे अपने घर में भी दिखाया कि एक लॉबी में एक टीटी टेबल पड़ी हुई है, उसी पे वो अपने रिलेटिव्स के साथ वहाँ पर खेल खेल के प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बेसिक एडवांस्ड व्हील चेयर भी नहीं है उनके पास, तो ये एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है कभी कभी कि क्या ऐसे प्लेयर्स जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे खेलना चाहते हैं पेरिस क्वालिफिकेशन राउंड के लिए, वो बाहर भी जाना चाहते हैं, बट ही इज लैकिंग समवेयर ऑन फंड्स, ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट। सो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग सो दैट ही फील्स मोटिवेटेड। संदीप एक बहुत अच्छा प्लेयर है, क्योंकि संदीप पिछले 6-7 साल से जो मेहनत उन्होंने करी है, क्योंकि नेचुरल डिसेबिलिटी नहीं होने के कारण उसको और कोप अप करने में मुश्किल होती है, क्योंकि जो बचपन से थोड़ी सी डिसेबिलिटी रहती है तो वो लाइफ में अकस्टम हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ने। पर संदीप एक्सीडेंटल ही वॉज कन्वर्टेड एज पैरा डिसेबल्ड प्लेयर, और जी उसको पिछले 5-6 साल में जो मेहनत करके उसने अपने आप को, अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हुए उसने परफॉर्म किया, तो निश्चित तौर पे उसका बहुत और उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गेम के लिए। और गेम की तरफ से भी उनको हर संभव सुविधाएं हमेशा दी जाती है। अभी अगर वो प्रोबेबल्स में भी अगर आते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी स्कीम्स रहती है कि जिसके अंदर उनको ये व्हील चेयर या उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे प्रयास चलते रहते हैं। पर ये मोस्टली जो सपोर्ट है ये हर एक के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूर से मिलना चाहिए। मैं इंदौर का जरूर से जिक्र करना चाहूंगा कि अभी इंदौर में हमने जब नेशनल चैंपियनशिप की थी तो हमारे यहाँ के 8-10 प्लेयर्स जो हैं वो हमारे कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब से मिलने गए विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और एनी डायरेक्टली। वो उन्होंने जाके उनको मिला, उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे खिलाड़ी, तो हमारे कलेक्टर महोदय ने उनके जो पर्सनल एफर्ट्स रहते हैं उनसे उनको इक्विपमेंट पूरे मुहैया कराए प्लेयर्स को। तो ये जरूर से एक व्यवस्था हो सकती है। प्लस बहुत सारी फाउंडेशंस हैं इंडिया में जो पैरा एथलीट को और ओलंपिक प्रोबेबल मेडलिस्ट को सपोर्ट करती है, तो वो स्कीम्स में अगर संदीप या और भी प्लेयर्स आते हैं, उसमें अभी प्रयास चल रहे हैं, तो अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पे उनको उनके साथ में जोड़ के कोशिश करेंगे कि इनको जो सपोर्ट मिल सके वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि
अभी हमारे नेशनल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है कमलेश मेहता सर, वो खुद जी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड टेबल टेनिस पर्सन रहे हैं, जी और अभी वो इस टेबल टेनिस को जब हेड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके कोई जाता है तो वो उसका बहुत बेटर सॉल्यूशन और बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। और नॉर्मली जैसे स्टेट लेवल पे अगर उनको उनके मेडल या परफॉर्मेंस पे एम्प्लॉयमेंट भी कहीं मिलता है तो जो एम्प्लॉयर रहता है वो भी इन सब चीजों में बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स अलग अलग गवर्नमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट में जॉब में भी रहते हैं पर उनको वहां से भी पूरा सपोर्ट मिलता है। जयेश जी, इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि कौन से ऐसे फेवरेट, वैसे तो सारे ही जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं गुरु के लिए एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ प्लेयर्स के नाम लेना चाहेंगे जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हों, उनकी क्या ऐसी क्वालिटीज हैं? मतलब अगर टेबल टेनिस में कहें तो दो खिलाड़ी तो ऐसे हैं, एक कमलेश मेहता हो गए और एक शरत कमल, ये दो प्लेयर ऐसे हैं कि जो मतलब जिंदगी के करीब हमारी लाइफ ही उनके इर्द गिर्द चलती है, क्योंकि जी ये दोनों इतनी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज हैं। और जो तीसरी अभी जिससे मेरा थोड़ा इंटरेक्शन पिछले समय से हुआ है वही भावना पटेल है, तो हमारी जी पैरा एथलीट है और हाँ उसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल पहला इंडिया के लिए हासिल किया था, कॉमनवेल्थ में हासिल किया था। तो ये तीन शख्सियत ऐसी हैं कि जो वाकई में जिनसे बहुत सीखा जा सकता है और जिन्होंने जो मेहनत करके टेबल टेनिस को ऊपर लाया, और इनफैक्ट एक शख्सियत मेरे घर में भी है, मेरी वाइफ भी नेशनल चैंपियन सारी एज कैटेगरीज में रही है, और जी वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी टेबल टेनिस की रही है, जिनके इन्फ्लुएंस में मैंने पिछले कुछ सालों में टेबल टेनिस के लिए काम करने का तय किया था। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये टेबल टेनिस के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं कि जो जी टेबल टेनिस को हर लेवल पे आगे ले जाने। अभी अगर आप शरद कमल से अगर आप बात करेंगे तो मतलब उम्र की इस दौर में भी वो जो फिटनेस बनाए रखते हैं, जिस लेवल का डिसिप्लिन वो फॉलो करते हैं, और अब वो 5वीं बार ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, इंडिया के फ्लैग बैरर रहेंगे, तो अपने रहेंगे आप में अपना ये बहुत बड़ा मैसेज है और मोटिवेशन है पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे कंट्री के लिए, कि एज इज नो लिमिट और आप किसी भी उम्र तक जब तक आप चाहे दिल से और दिमाग से अगर आप जवान रहेंगे तो आप हर लेवल पे परफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते। बिल्कुल, मुझे तो लगता है शरद कमल जी, मेरी पिछले से पिछले साल की बात है, जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स में से भी पहले की बात है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो ही इज अ वेरी डिवोटेड फैमिली मैन ऑल्सो। मैंने उनको फोन करा तो उन्होंने कहा कि मैम मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लाना है। सो ही इज सच अ डिवोटेड फैमिली मैन, वो अपने बच्चे को स्कूल से लाए एंड देन ही कॉल्ड मी बैक कि नाउ आई एम फ्री, यू कैन इंटरैक्ट विद मी। सो मैंने कहा यार दिस इज सो गुड, और उस वक्त वो पूरी तैयारी में थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहा है बर्मिंगम वाला, तो अब मुझे परफॉर्म करना ना। आई थिंक दैट वॉज द, यू नो, दैट वॉज द टाइम ही एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग हिज सेकेंड इनिंग्स एंड ही इज प्लेइंग इट सो सो वेल। ही इज 40+ एंड इट इज लाइक एज इज जस्ट अ नंबर फॉर शरद कमल, बिकॉज ही इज नाउ यू नो प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फ्लैग बेरर ऑल्सो। सो दिस इज रियली रियली वेरी कमेंडेबल। नाउ जयेश जी, कोई ऐसे पांच स्पोर्ट्स टर्म बताइए जो एज अ ले मैन हम कभी आपका, आपके स्टूडेंट्स का गेम देखें तो हम समझ सकें उस गेम को बेहतर। एक तो सबसे पहले सर्विस, हाँ देन पुश, टॉप स्पिन, बैक हैंड टॉप स्पिन, साइड स्पिन और किल, यू नो यू मतलब विल बी, फिनिश। हालांकि बताते हुए मुझे भी हंसी आ रही है कि एक समय था जब मैं स्कूल में थी और मैंने डिस्ट्रिक्ट तक टीटी खेला हुआ है, सो इट इज लाइक मुझे बहुत मजा आता था टेबल टेनिस खेलने में, लेकिन एनी टाइम इट नीड्स योर फोकस अलॉट। एक बॉल के ऊपर आप पूरी दुनिया भूल जाते हैं और आपकी दोनों आंखें केवल एक बॉल पे केंद्रित रहती हैं। नाउ लेट्स कम टू द पैरा टीटी। आप जरा सा ये जो आपने डिवोशन वाली बात देखी है, जो आपने अभी हमने बात करी जनरेशन वाली बात, मुझे एक बेसिक फर्क पता है एबल बॉडी प्लेयर्स और डिसेबल बॉडी प्लेयर्स में भी दिखता है, जो तरीके का, जिस तरीके का डेडिकेशन पैरा एथलीट्स में दिखता है, मतलब वो आपको नहीं लगता कि आउट ऑफ द बॉक्स है, अनकन्वेंशनल है, एकदम अनकंपेरेबल है? इसमें जरूर से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग शुरू से एबल बॉडी में खेलते थे, पर मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है जो बचपन से हम साथ में थे, तो वो पोलियो होने के कारण वो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में था, बट ही नेवर प्लेड इन डिसेबल्ड कैटेगरी, ही रेगुलरली यूज टू प्ले इन एबल कैटेगरी, प्रमोद गंगराडे उसका नाम है।
तो प्रमोद हमारे साथ में खेलता था, तो वो इक्वली अच्छा खेलता था, मतलब एबल प्लेयर्स में भी हरा के वो जीतता था, स्टेट टीम में सिलेक्ट होता था। तो वो कभी उसने सोचा नहीं था कि वो पैरा टेबल टेनिस में खेलने के लिए जाना है, क्योंकि उसने अपना मन बना के रखा था मैं एबल बॉडी में अच्छा खेल रहा हूँ। वो अच्छा खेला भी, उसने परफॉर्म भी किया और रेगुलर अचीवमेंट भी उसके आ गए। उसके बाद में फिर मैंने उसको सजेशन दिए कि मतलब तुमने अपना कैरियर भले ही एबल बॉडी में खेल के बनाया हो, बट इट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर पैरा टेबल टेनिस, बिकॉज पैरा टेबल टेनिस वॉज नॉट दैट मच ऑर्गेनाइज एंड इन गुड शेप अर्लियर। तो मैंने वो उनको बोला, उन्होंने जब पैरा टेबल टेनिस में जाने लगे और जब देखा कि एबल बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में और पैरा टेबल टेनिस का ऑर्गेनाइजेशन में बहुत फर्क है, तो उस टाइम हमने, क्योंकि मैं फेडरेशन में भी इन्वॉल्व था, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी था, तो मैंने उस टाइम के हमारे सेक्रेटरी जनरल धनराज चौधरी सर को और एमपी सिंह सर को रिक्वेस्ट किया कि पैरा टेबल टेनिस को अपने टेबल टेनिस फेडरेशन के अंडर में इस गतिविधि को चालू किया जाए, कि जिससे कि हम जो हमारे एबल बॉडी के प्लेयर्स को बेस्ट प्लेटफॉर्म और फैसिलिटीज दे सकते हैं वो हम पैरा में भी दे। और उन्होंने बहुत जेनरसली उस बात को आगे बढ़ाया और पूरा सपोर्ट दिया। तो इंदौर में हमने एक बड़ा पैरा फ्रेंडली पूरा हमारा स्टेडियम तैयार कर दिया, जो अभय सेजलानी जी ने टेबल टेनिस के लिए बनाया था, और ओम सोनी सर हमारे जो दो स्टॉलवर्ट पर्सन थे उनके साथ में हमने ये पूरी फैसिलिटी प्लेयर्स के लिए डेवलप की, और 2016 या 17 से हमने रेगुलर पैरा एक्टिविटीज को चालू किया। तो 18 लोग थे उस समय जब हमने पूरे इंडिया से जिनको अपॉर्चुनिटी दी थी, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि अभी जब लास्ट मार्च में हमने एक्टिविटी नेशनल चैंपियनशिप करी थी, तो तब तक 500 से अधिक प्लेयर डिफरेंट एज कैटेगरी के, डिफरेंट डिसेबिलिटी के हमसे मतलब पैरा टेबल टेनिस से जुड़ चुके हैं, उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और 300 के लगभग खिलाड़ियों ने इस बार नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, और उनके लिए पूरा एक रैंकिंग का जैसा सेटअप एबल बॉडी का था पूरा वैसा का वैसा हमने इस साल कंटिन्यू किया। तो नेचुरली जो प्लेयर्स को सिर्फ एक बार खेलने का मौका मिलता था, फैसिलिटीज उनकी बहुत एट पार नहीं रहती थी, तो क्योंकि प्रमोद को वो सारे ड्रॉबैक्स पता थे कि वो किस किस एरियाज में हमको फोकस करके इम्प्रूव करना है, और प्लेयर को जो फैसिलिटीज है वो किस तरह से बेहतर देनी है ये उसको मालूम था। तो उसके सारे इनपुट्स लेके हमने वो सारे ड्रॉबैक दूर किए, और आज हमारे पैरा के जो एथलीट है वो इंडिया में कहीं भी जब खेलने जाते हैं तो उनको बेस्ट फैसिलिटी जो एबल बॉडी की नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रहती है वो का वही एनवायरमेंट पूरा हम उनको खेलने के लिए देते हैं। प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी उनको जिसको जहां जाना रहता है, तो गवर्नमेंट कॉस्ट पे या ओन कॉस्ट पे, वहां उनको जाने के लिए हम पूरी वो अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, ये जो अभी हम पैरा का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसी पे मुझे याद आया कि अभी रेडियंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने भी इसी मुहिम में एक छोटी सी कोशिश करी थी कि रेडियंट डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कराए थे, जो कि पूरी तरीके से पैरा कम्युनिटी, पैरा स्पोर्ट्स को फेलिसिटेट करने का एक मिशन थे। सो हमने ऑफ कोर्स यू यू वर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बट एनी हाउ इट वाज काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट फॉर अस, फॉर यू नो आप आ नहीं पाए, हम आपसे मिल नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार सही इस साल मिलेंगे फिर से सेम अवार्ड्स पर। बिल्कुल जयेश जी, जाते जाते दिल की बात पर, अब इस शो पर अपने दिल की बात बता के जाइए। मैं जरूर से, पिछली बार क्योंकि बेटे की शादी थी तो मैं उस समय पे आ नहीं पाया, पर अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर से आपको ज्वाइन करूंगा। और दिल की बात यही है कि हमारे देश में टेबल टेनिस को भी वो स्थान मिले जो हर खेल के या और दूसरे खेलों को दूसरे देशों में मिलता है, तो हमारे टेबल टेनिस खिलाड़ी भी क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह, फुटबॉल के खिलाड़ियों की तरह या हॉकी के खिलाड़ियों की तरह अपने आप को देश के प्रमुख व्यक्तियों के अंदर अपना शुमार प्राप्त कर सके। और टेबल टेनिस क्योंकि ऐसा गेम है जो घर घर में खेला जा सकता है, तो जितना ज्यादा टेबल टेनिस इस देश में होगा उतनी लोगों की मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव होगी। तो जरूर से जो स्वस्थ भारत मिशन है उसके अंदर भी टेबल टेनिस कहीं ना कहीं बहुत बड़े रूप से कंट्रीब्यूट कर सकेगा, ऐसी भी मेरी इच्छा है। और मेरे दिल में यही है कि हम सब लोग मिलके इस देश को इतना अच्छा बनाएं और खासकर टेबल टेनिस गेम इतना आगे बढ़े कि इस देश के हर लोग जो है टेबल टेनिस तक उनका एक्सेस रहे, ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जयश्री फॉर योर टाइम। थैंक यू मैडम, थैंक यू।